हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ सो टुडे फॉर लंच आई बी मेकिंग आलू पनीर करी विथ जीरा राइस तो चलिए हम बनाते हैं तो आलू पनीर करी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ऑयल के गरम होते ही मैंने कुछ गार्लिक के क्लोब्स और कुछ जिंजर लिया है तो उसको मैं डाल दूँगी और थोड़ी देर उसे सॉटे करूँगी जिंजर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो इस स्टेज पे मैं थोड़े से कैश्यू और थोड़े से पीनट्स ऐड कर रही हूँ आप आइधर सिर्फ कैशियो ऐड कर सकते हो या सिर्फ पीनट्स या फिर दोनों आ, स्किप कर सकते हो अब मैंने कुछ स्लाइसड किए हुए अनियन लाइक मैंने एक लार्ज साइज़ का अनियन लिया है उसको मैंने स्लाइस कर लिया है अब मैं वो स्लाइसड अनियन ऐड की हूँ अनियन को ढक के कुछ देर के लिए पकाएंगे टिल वो ट्रांसलूसेंट हो जाए तो अनियन ट्रांसलूसेंट हो गया तो इस स्टेज पे मैंने एक मीडियम साइज का टोमेटो कट करके डाल दिया है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए अब हम इसे ढक के कुक करेंगे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसे ढक के कुक करेंगे अब आप देख सकते हो टमाटो अच्छे से कुक हो गया है तो ये हमारा मसाला रेडी है अब इसे हम ठंडा होने देंगे मेन वाइल हम जीरा राइस बनाते हैं तो जीरा राइस मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाया है तो इंस्टेंट पॉट पे सोटे मोड ऑन करके मैंने आ, घी डाला है घी में बेलीफ डाला है और आ, जीरा डाला है दो स्पून जीरा के स्प्लेटर होते ही मैं इसे एक बार लाइक like, क्विक सा सॉटे कर लूँगी अब मैं इसमें वॉस्ड किया हुआ राइस डाल दूंगी मैंने इसे फिफ्टीन मिनट्स करके आ, सोक किया था और फिर वॉश करके इसे आ, डाल दूँगी अब मैं राइस को कुछ देर के लिए सॉटे की हूँ अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और सॉल्ट ऐड कर ली हूँ और फिर मैं इसे जेंटली सॉटे कर दूँगी बिकॉज़ राइस टूटने लगता है तो मैंने यहाँ पे छोटे वाले राइस ही यूज़ किए सोना मसूरी आप चाहो तो आप बासमती राइस यूज़ कर सकते हो और फिर मैंने इसमें पानी डाला है तो एक कप के लिए मैंने डेढ़ कप पानी डाला है अब हम राइस को प्रेशर कुक करेंगे तो मैंने आ, आ, 20 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक किया है आप अगर कुकर में बना रहे हो तो आप दो से तीन वेसल के लिए कुक कर सकते हो मीनवाइल हमारा मसाला ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लूँगी ग्राइंड करने के लिए तो मैंने मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी सेम पैन को मैंने आ, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैंने एक बॉयल्ड पोटैटो लिया है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया आपके पास अगर छोटे साइज़ के पोटैटो हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हो और उसको मैरिनेट किए हल्दी थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैरिनेट कर लिया है अब ऑयल के गरम होते ही मैं मैरिनेटेड पोटैटो उसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो आप सिंपली पोटैटो का भी सब्ज़ी बना सकते हो सेम स्टाइल से या फिर पनीर का भी बना सकते हो मैंने पोटैटो एंड पनीर दोनों ऐड किया है अब मैं जब तक पोटैटो फ्राई हो रहा है मेन वाइल मैं पनीर के क्यूब्स को मैरिनेट कर लूँगी सेम हल्दी थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट से मैरिनेट कर लूँगी आप देख सकते हो पोटैटो मेरा फ्राई हो चुका है उस पर एक ब्राउन सा क्रस्ट आ गया है आप चाहो तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो बट मैंने सैलो फ्राई किया है तो पोटैटो फ्राई हो गया तो मैं इसे निकाल लूँगी और सेम पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल अगेन लिया है अब मैं पनीर को वैसे ही फ्राई करूंगी सो दैट उसके ऊपर थोड़ा सा क्रस्ट आ जाए पनीर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है उसके ऊपर कोटिंग आ गया है तो मैं उसे भी निकाल लूँगी अब अगेन पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है उसमें जीरा एंड एक छोटा स्टिक सिमनिमिन स्टिक डाला है उसके बाद मैंने ब्लेंड करके जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के जो भी पेस्ट बचे हुए थे मैंने उसे भी दही यूज़ किया है अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी और हमारा फिफ्टी परसेंट मसाला पहले ही मैंने पका लिया था अनियन टोमेटो को तो अभी जस्ट हमें फिफ्टी परसेंट पकाना है तो मैं स्टेज पे अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूंगी तो हल्दी चिली पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर आप इसमें से जो भी आप स्किप करना चाहते हो लाइक जीरा पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो मैं रेगुलर बेसिस पे इतना ही स्पाइसिस यूज़ करती हूँ तो मैंने वही डाला है अब थोड़ा सा कलर के लिए मैंने कश्मीरी पाउडर ऐड किया है अब सभी स्पाइसेस को मैं मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आ, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट टोमेटो फ्राई करते टाइम डाला था तो अभी मैं जितना भी हमें सॉल्ट सौ, चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सॉल्ट ऐड कर लेंगे तो मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे टिल वो ऑयल सेपरेट होने लगे इसका तब तक कुक करेंगे तो मैंने पाँच मिनट बाद इसे खोला है तो आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे से पक गया है लाइक इसके ऑयल सेपरेट होने लगे हैं तो इस स्टेज पे आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लीजिए तो जस्ट मेक श्योर कि इस ये ठंडा होने के बाद ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप उसी कंसिस्टेंसी में पानी डालिए जितना आपको चाहिए ग्रेवी तो मैंने पानी डाला है करीब एक कप और फिर आ, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो डाल सकते हो आ, या फिर आप दही को रूम टेम्परेचर पे बीट करके डाल सकते हो मेरे पास ये दोनों नहीं था तो मैंने जस्ट सिंपली मिल्क ऐड किया दूध ऐड किया आप घर का मलाई भी रहे वो भी ऐड कर सकते हो दूध के ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी ऐड किया है इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैंने जो भी आलू और पनीर को फ्राई करके साइड में रखा था अब मैं इसमें वो डाल दूंगी तो मैंने सभी आलू और पनीर को डाल दिया है अब इसे हम मिक्स करके ढक के आ, एक बॉईल आने तक कुक करेंगे सो दैट ग्रेवी पनीर और आलू के अंदर अच्छे से चला जाए तो जस्ट एक बॉईल आने तक हम इसे कुक करेंगे तो ये सब्जी बनाने को लाइक हाफ़ एन आवर लगता है बट बहुत ही डिलीशियस लगता है आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं या कुछ फंक्शन हो तो आप बना बना के ट्राई कर सकते हो तो आप देख सकते हो इसमें एक बॉयल आ गया है तो मैं इसे जेंटली मिक्स कर दूंगी बस हमारा सब्जी रेडी है तो मैं इसे मिक्स करके गैस को ऑफ कर दूंगी अब मैं जीरा राइस चेक कर लेती हूँ जीरा राइस भी बन के डन है तो आप देख सकते हो जीरा राइस भी अच्छे से बन चुका है बहुत ही खिले खिले बने हैं मैंने छोटा सोना मसूरी यूज़ किया था इसलिए ये ज़्यादा दिख के नहीं आ रहा है बट आप, आपको लंबे ग्रेन्स चाहिए तो आप बासमती राइस यूज़ कर सकते हो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू